अब इंदौर वाले घर बैठे ही पुलिस से FIR दर्ज करवा सकेंगे। दरअसल राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार के नाम से एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत इंदौर के दो थाने पलासिया और हातौद में FIR दर्ज कराई जा सकेगी। इस मामले में IG विवेक शर्मा ने बताया कि अब घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचेगी और जरूरत पड़ने पर तुरंत मामला दर्ज करेगी। FIR आपके द्वार ये एक अनूठी पहल है जिसकी शुभारंभ आज भोपाल में मध्य प्रदेश शासन के माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा की गई है। और इसी कड़ी में इंदौर में दो थानों का, एक शहरी थाने थाना पलासिया एवं ग्रामीण थाने थाना हातौद, इनका चयन किया गया है। और यहाँ पर FIR अगर किसी ऐसे अपराध की जो कि गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आता, संज्ञेय अपराध की सूचना अगर प्राप्त होती है, तो ये FRV वाहन वहाँ पर मुद्दई के घर पे जाएगा और उससे पूछताछ करने के पश्चात अपराध का पंजीयन करेगा और वहीं उसकी प्रतिलिपि अपराध FIR की मुद्दई को देगा। इसके लिए हमने जो हमारी FRV हैं उनको स्पेशली इक्विप किया है। उसमें 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में एक ASI ड्यूटी पे रहेंगे। उनके पास एक लैपटॉप होगा, उस लैपटॉप के साथ प्रिंटर, UPS और हॉटस्पॉट, वाईफाई हॉटस्पॉट उनको दिया गया है। इस लैपटॉप में CCTNS का जो कोर एप्लीकेशन सिस्टम है वह डाला गया है और इसमें VPN सॉफ्टवेयर भी डाला गया है और उस लैपटॉप के मैक ID को हमने ऑथराइज कराया है ताकि यहाँ से जो मुद्दई के घर से या उसकी लोकेशन से सीधा जो डेटा है वो सिक्योर्ड टनल के माध्यम से, ताकि कोई अनऑथराइज उसको एक्सेस ना कर सके, वो एक सिक्योर्ड टनल के माध्यम से हमारे सर्वर्स पर पहुंच सके और असल नंबर की FIR मुद्दई को घर पर जिस तरह से थाने में मिलती है बिल्कुल उसी स्वरूप में मुद्दई को घर में प्रिंट करके वहीं दे दी जाए। ये इसका उद्देश्य है। इसका पायलट प्रोजेक्ट का आज शुभारंभ हुआ है और ये दो थानों में हमारे द्वारा शुरू किया जाए गया है आज से। और जैसे जैसे इसमें फीडबैक आएगी उस फीडबैक को पुलिस मुख्यालय के साथ शेयर किया जाएगा। हमारे को जो जो आवश्यकताएं प्रतीत होंगी, जो जो कमियां परिलक्षित होंगी, किन किन धाराओं का आगे समावेश किया जाना है, इस संबंध में हम रेगुलर फीडबैक देंगे। वहीं हातौद थाने में शुरू हुई इस योजना के बाद थाना प्रभारी नंदिनी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर FRV 38 को क्षेत्र के लिए रवाना किया। इसके बाद दोपहर में एक शिकायत भी सामने आ गई जिसे घर जाकर दर्ज भी किया गया और फरियादी को बकायदा रिपोर्ट की कॉपी उसके घर पर जाकर दी गई। आज दिनांक 11/5/2020 को अर्जुन सिंह निवासी ग्राम जमुड़ी सर्वर के साथ हुई मारपीट एवं धमकी की सूचना डायल 100 पर प्राप्त हुई। मौके पर ही सहायक उप निरीक्षक नागेंद्र सिंह भदौरिया एवं अन्य स्टाफ ने पहुंचकर फरियादी के बताए अनुसार धारा 323, 294, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया एवं मौके पर ही फरियादी को FIR की एक प्रति प्रदान की गई और आगे भी फरियादी के बताए अनुसार कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें कि पहले चरण में भोपाल और इंदौर में इस व्यवस्था के तहत काम भी शुरू किया जा चुका है। इस योजना का मकसद लॉकडाउन का पालन कराना है। इस योजना में फरियादी घर से ही डायल 100 पर फोन लगाकर पुलिस को सूचित करेगा और पुलिस मौके पर जाकर घटना की पुष्टि करेगी, फिर फरियादी को घर जाकर ही FIR की कॉपी देकर भी आएगी। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।